तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट के साथ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार 20 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है अमित भड़ाना के बारे में। तो यार अमित भड़ाना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बहुत सारा स्टोरी पोस्ट करके अपने फैंस और अपने हेटर्स को रिप्लाई किए। बेसिकली उनसे कुछ लोग बोल रहे थे आप चेंज हो चुके हो, आप पहले की तरह रैमिंग वीडियो नहीं बनाते, और के साथ साथ उनके सब्सक्राइबर्स और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को रिप्लाई करते हुए अमित भड़ाना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ स्टोरी पोस्ट करके लिखे, भाई पहले की तरह रैमिंग वीडियो बनाओ, भाई पहले की तरह गमछा गले में डाल के आओ, पहले की तरह देसी वीडियो बनाओ, 10 मिलियन से पहले वाला कॉन्टेंट बनाओ। फिर अगला स्टोरी में लिखे, टाइम आगे बढ़ता है आपका दिमाग भी बढ़ता है, सोचने का नजरिया भी बढ़ता है, वही हुआ मेरे साथ भी, मैं ग्रो हुआ, मैंने लर्निंग की, उससे मैंने अपने आर्ट को और निखारा, तो मैं वो करने की सोचता हूँ जो मैंने कभी नहीं किया हो, इससे मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे सीखने को मिलता है। लेकिन आप लोग नाराज हो जाते हो कि अमित बदल गया है। मैं बदला नहीं हूँ, आप समझो बस, मैं अपने स्टाइल में सेम चीज नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं मेंटली और ग्रो करूँ और एक जगह फंसा हुआ ना रह जाऊँ। और फिर अगला स्टोरी में लिखे, क्या मैंने देसी लैंग्वेज को बोलना छोड़ा, क्या रैमिंग बंद की, क्या फैमिली कॉन्टेंट से बाहर गया, नहीं ना, फिर चेंज कहाँ हुआ हूँ मैं, कहीं नहीं, वीडियो लॉन्ग होने लगी, राइटिंग थोड़ी मैच्योर होने लगी, प्रोफेशनल तरीके से काम होने लगा, लोकेशन से लेके सिनेमैटिक चेंज आया, लेकिन मेरा विजन तो हंसाना ही है ना, चाहे वीडियो छोटी हो या बड़ी, देसी हो या नॉर्मल, पॉइंट तो बस हंसना है। फिर अगला स्टोरी में लिखे, लाइफ में दुनिया भर के उतार चढ़ाव आए, कुछ लोग दूर हुए, कुछ लोग पास आए, सभी की कदर है मुझे, पारिवारिक चीजें, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, मैंने पिछले 4 सालों में सब देखा, हर सिचुएशन में मैंने खुद को काम में ही बिजी रखा, हर इंसान टूटता है, जुड़ता है, बहुत कुछ सीखता है, गलतियां करता है, उसी तरह से मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियां करूंगा, सीखूंगा, तभी तो आगे बढ़ूंगा। और फिर अगला स्टोरी में लिखे, ये सब बातें मैं अपने लॉयल फैंस के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपकी वैल्यू है, उनके लिए नहीं जो 10 मिलियन से पहले कहते थे अमित की वीडियो अच्छी नहीं लगती और आज कहते हैं अमित पहले कितनी अच्छी वीडियो बनाता था। ये लोग मुझे कभी नहीं समझ पाए, तो इनको मैं समझाना भी नहीं चाहता, पर आप तो मुझे समझो ना, करने दो मुझे खुल के एक्सपेरिमेंट, कुछ फेल होऊंगा, कुछ पास, लेकिन डेली एक लर्निंग मिलेगी। फिर अगला स्टोरी में अमित भड़ाना अपने हेटर्स को रिप्लाई करते हुए लिखे, व्यूज इंपैक्ट हुआ है लास्ट 6 महीनों में, काफी हेटर्स के लिए तो मानो अप्रैल में ही दिवाली बन रही होगी, तसल्ली रखो बेटा, अभी तुम पूरी तरह जीते नहीं हो और मैं हारा नहीं हूँ, इसके बहुत से कारण है, कंटेंट चेंज, चैनल के साथ छेड़खानी, मेरी इग्नोरेंस टेक्निकल चीजों की तरफ से मुझे बाद में पता चलता है ये गड़बड़ हुआ है, इन सब बातों से हटकर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी ऐसे ही चलेगी, जिस पे रुकती है रोक लेना। और फिर अगला स्टोरी में लिखे, मैं 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लेता वीडियो लाने में, महीने में 2 भी, कभी कभी 3 भी, इससे भी व्यूज इंपैक्ट होते हैं, ये सब वो बातें हैं जो मैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ काफी दिनों से, आज बोल दी तो दिल हल्का हो गया। फिर अगला स्टोरी में लिखे, जबरदस्ती इफर्ट्स लगाऊंगा, नहीं कल को काम नहीं बना तो वापस वकालत कर लेंगे कोर्ट में जाकर, अगर गलत राह से आगे नहीं बढ़ेंगे। और हाँ एक लास्ट बात, ये सिर्फ लॉयल फैंस के लिए, देसी कॉन्टेंट, गले में रैमिंग, गले में गमछा, ये भी ले आया करूंगा हर महीने, पुरानी यादें नहीं मरने दूंगा, लव यू, ध्यान रखो अपना। तो यार ये था अमित भड़ाना का रिप्लाई उनके फैंस के लिए। वैसे अगर आप लोग अमित भड़ाना के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो ये सब स्टोरी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित भड़ाना ये सब स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही डिलीट कर दिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो यार अगला अपडेट है एल्विस यादव और समीर मार्क की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो यार जैसा कि सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करके बताए थे कि बहुत जल्द वो समीर मार्क के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो आज सम्राट भाई अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसका टाइटल है समीर भाई को फुल सपोर्ट। बेसिकली सम्राट भाई उस वीडियो में बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए हैं, वो बताए कि समीर मार्क भी एक टाइम पे मेरा दोस्त हुआ करता था और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बोले। तो मैं आप सबको सम्राट भाई के उस वीडियो का कुछ इम्पोर्टेंट क्लिप्स दिखा देता हूँ। बट तुमको ये नहीं पता होगा कि समीर मार्क भी एक टाइम पे मेरा काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। यस, ही इज माय फ्रेंड। लेकिन थोड़े दिनों में उनकी हरकतें कुछ ज्यादा खराब होने लगी और हाल ही में तो हद से ज्यादा खराब हो गई। ये स्टोरी देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा हमारे सेकुलर भाई किस तरीके से एक सेकुलर मैनेजर की डिमांड कर रहे हैं। अब हमको हमारे सेकुलर भाई को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो इस वीडियो में बताने वाला। लेकिन पॉइंट इज दैट इस वीडियो में मैं एल्विश को कहीं से कहीं तक डिफेंड नहीं करने वाला। उस वीडियो में उसने जो बात बोली वो कॉमेडी में हम ले सकते हैं, बट उसने जो इंस्टाग्राम पे बोला उसको हम कॉमेडी या ह्यूमर में नहीं ले सकते। बट मैच्योरिटी कहां पे आती है, जब एल्विश मेरे कहने पे उस स्टोरी को हटा लेता है। जी हां, एल्विश ने विदिन 15 मिनट, एग्जैक्ट 15 मिनट में उस स्टोरी को हटा दिया, जो नेगेटिव कमेंट किए थे उनको डिलीट कर दिया और सामने से ये भी बोल दिया कि मेरी तरफ से कोई लफड़ा नहीं है, खत्म करो। लेकिन हमारे समीर भाई और उनकी पंचर क्लेन को ये बात समझ में नहीं आई। वो कंटिन्यू स्टोरी पे स्टोरी पोस्ट करते रहे, कंटिन्यू स्पैम पे स्पैम करते रहे, कंटिन्यू टैग पे टैग करते रहे और बस
शुरू हो गई लफड़ेबाजी। खैर कोई बात नहीं, भाई का जैसा कहना है कि वो नेगेटिविटी में नहीं जाते, किसी को गिराना नहीं चाहते, इसलिए तो शायद उन्होंने मेरे चैट का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया होगा शायद। ब्रो अगर तुम्हारी कोई पास्ट में रिस्पेक्ट कर रहा हो ना, सीरियसली सुनना इस बात को, आपकी बुद्धि ना बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि है। जो जड़ होती है जिसमें दिमाग ही नहीं होता वो बुद्धि है। आपके खिलाफ जो कोई भी बोलता सबसे पहले एसेस डालना शुरू कर दे। तो मेरा फैन था यार, ये कौन सा लॉजिक होता है भाई, मुझे सीरियसली जानना है ये कौन सा लॉजिक होता है। आप किसी की प्राइवेट चैट को डाल के अपने आपको होशियार नहीं दिखा सकते। और चलो मैं तो तुम बोल रहे हो ना स्टोरी क्या डाल रहे हो, मैं खुला बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे फैशन इन्फ्लुएंस की तारीफ करता था, मैं तुम्हारे फैशन को फॉलो करता था जब तक तुम फैशन करते थे। ये नौटंकी नहीं जो आजकल तुमने शुरू करी है, जो विक्टिम कार्ड खेलते हो रिलीजन वाला, ये बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम फैशन इन्फ्लुएंसर थे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था। एंड अगर यार ये था सम्राट भाई का रिप्लाई। इस वीडियो के ऊपर समीर मार्क का अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। अगर समीर मार्क इस वीडियो के ऊपर कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो मैं आप सबको अपने वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। तो यार जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कैरी मिनाटी अपना न्यू सेटअप बना रहे थे। तो कल कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम पे अपने न्यू सेटअप का एक छोटा सा वीडियो शेयर किए। तो मैं आप सबको उनका वो वीडियो दिखा देता हूँ। बन रहा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर देना। और यार अगर आप लोग को ऐसे ही इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।